Now we started on BSc Part 1 First Semester Newtonian Mathematical Physics and Newtonian Mechanics. आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट. कितने पार्टिकल्स है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 R2. कह रहे हैं कि लेट द टू पार्टिकल्स हुज मासेस इज M1 एंड M2 with positions vector r1 and r2 with respect to an origin o in laboratory the frame of reference as saw in figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. कह रहे हैं कि हम दो पार्टिकल ले रहे हैं m1 और m2 जिसका ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर r1 है और ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर r2 है. लेबोरेटरी में इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज सॉ इन फिगर है. करें कि पोजीशंस वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय आरसीएम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. कल हम लोग पढ़े थे टू पार्टिकल्स रिड्यूसेस टू वन पार्टिकल्स एंड इट्स मास. वहां से निकालेंगे कि पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r1 माइनस r2, सो r2 निकालेंगे r2 इज इक्वल टू r1 माइनस r. इक्वेशन नंबर टू. अब क्या करेंगे यहां से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r2 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में r2 का मान रख लेंगे तो rcm निकलेगा m1 r1 प्लस m2 r1 माइनस r अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन rcm. सॉरी rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r1 माइनस एम टू आर अपॉन एम वन आर वन. तो ये जो वैल्यू मिला हमें कैलकुलेट करेंगे आर वन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. आर वन बराबर आर सी एम प्लस एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू. इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगा. अब इसी प्रकार से हम जानते हैं कि वट एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू म्यू अपॉन एम वन वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम. आर वन निकालेंगे तो आर सी एम प्लस म्यू अपन एम वन इंटू आर. इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा. सिमिलरली इसी प्रकार से हम आर टू निकालेंगे तो आर सी एम माइनस म्यू अपन आर टू इंटू आर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो जाएगा. यहाँ पे दो रिमार्क है. पहला है इसमें कि इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन द ओरिजिन इज टेकन एट पॉइंट सी. जो ओरिजिन ओ है वह ओ से कहाँ चला गया, सी पे चला गया, तो सेंटर ऑफ मास जो है आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. रिमार्क सेकेंड है कि मान लीजिए आर वन जो है पोजीशन वेक्टर है तो हम आर वन डैश ले लें और आर टू डैश ले लें और दूसरा फिगर बना लें तो जो पोजीशंस वेक्टर है वो कहाँ चला गया, सी पे चला गया. तो केवल एक पार्टिकल और दो पार्टिकल बच गए, तो सिंगल बच गया एम वन, एम वन और एम टू बच गया. तो उसमें हम आर वन डैश निकालेंगे तो r1 वन डैश इज कल टू प्लस म्यू डैश अपन आर वन इंटू वेक्टर आर मिलेगा या आर डैश मिलेगा. इक्वेशन नंबर सिक्स मिलेगा. सिमिलरली इसी प्रकार से r2 टू डैश निकालेंगे तो माइनस म्यू डैश अपन एम टू मिलेगा, r1 वन डैश मिलेगा. इक्वेशन नंबर सेवन मिलेगा. और यही क्या है कि दीज इक्वेशंस गिव रिलेशंस बिटवीन रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट. और इस तरीके से हमारा रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स प्रूफ हो जाता है.